हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एलोवेरा की लीव्स से बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना। आज हम जो भी बनाने वाले हैं एलोवेरा जेल से, वो हमारे हेयर्स के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। हम बना रहे हैं होममेड एलोवेरा जेल। मैंने यूट्यूब पर जितने भी वीडियोज़ देखे उन सब में आपको दो दो लीव्स का बताया गया था। देखिए, मैं इतना सारा आज एलोवेरा जेल बना क्योंकि मेरे घर की छत पे भर भर के एलोवेरा प्लांट उगे हुए हैं, तो उनको यूटिलाइज करने का बहुत अच्छा तरीका है। तो देखिए, मैंने सारे लीव्स ले लिए हैं, सारे तो नहीं, मतलब अभी इनसे तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अभी छत पे हैं। आप देखिए, इस तरीके की आप लीव्स ले लीजिए और इनको वॉश कर लीजिए। मैंने इनको वॉश कर लिया है। ये देखिए, मेरे मतलब प्लांट में कितना ज़्यादा मोटे मोटे लीव्स थे। मैंने इनको क्या करा था, बकेट में 15-20 मिनट के लिए छोड़ दिया था पानी के साथ में, फिर इनको वॉश किया है। अब हम ये वाला जो आगे वाला पार्ट है, इसको अच्छे से कट कर देंगे क्योंकि येलो पार्ट जो है वो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल सही नहीं रहता। फिर हमको चाहिए इसके बाद में जिलेटिन, जो कि देखिए ये है हमारा जिलेटिन पाउडर। एक्चुअली पाउडरी फॉर्म में तो नहीं है, बट ये जिलेटिन है जो मैंने अमेज़ॉन से 90 रुपीज़ में मंगवाया था। कुछ पाउच जैसा आया था बट मैंने इसमें निकाल लिया है ये, तो ये चाहिए। और हमको अब देखिए हम इसको कैसे कट करते हैं। आप अच्छे से इनको वॉश करेंगे, आपकी लीव्स एकदम इतनी हेल्दी होनी चाहिए, मतलब जैसे मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि इनमें से आप ईजिली एलोवेरा जेल निकाल पाएंगे। बाकी का ठीक है, आपके और भी अगर ऐसी लीव्स हैं तो वो भी चल जाएंगे, क्योंकि हमें, मुझे तो एलोवेरा प्लांट को एक्चुअली कट करना ही था कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लीव्स हो रखी थी। तो ये देखिए आप कितनी ज़्यादा इसमें मोटी मोटी कुछ पत्तियाँ हैं, बहुत ज़्यादा। हमारे बालों के लिए, स्किन के लिए एलोवेरा के तो बेनिफिट्स मैं क्या बताऊँ आपको। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि एलोवेरा हमारे लिए कितना ज़्यादा अच्छा रहता है। ये देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने इसको जो है वो सारी लीव्स को वॉश कर लिया है। ये देखिए कितना ज़्यादा मोटा इसका लीफ है। तो अब हम इसको किनारों से कट करेंगे, फिर जो भी एक्स्ट्रा है ये सारा कुछ कट कर देंगे, ग्रीन पार्ट हटाएंगे। और फिर मैं आपको स्पून भी कैसी लेनी है मैं बता दूँ। इसका जो ये सिरे नहीं होती, ये थोड़ी नुकीले हों जिससे हम ईजिली एलोवेरा जेल को निकाल सकें। तो चलिए मैं आपको निकाल के बताती हूँ एक लीफ में, फिर उसके बाद में मैं सारा निकाल के यहाँ पे इकट्ठा करूँगी, उसके बाद मैं ग्राइंड कर लूँगी और फिर उसके बाद में आप देखते जाइए क्या क्या मैं करती हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो में, और वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना और मेरे वीडियो को शेयर करना। इस तरीके से हम एलोवेरा की लीव्स को बीच में से कट कर लेंगे, और जो भी मतलब देखिए इसके कांटे वगैरह और जो भी आपको ब्लैक पार्ट लगे, कुछ भी एक्स्ट्रा लगे, तो आप प्लीज़ उसको अच्छे से कट कर लिए। और इस तरीके से जो हम इसमें से जो है जेल निकाल निकाल करके हम इसमें से हमारे इसमें डाल इकट्ठा करेंगे, जिससे कि जो है हम अच्छे से इसको निकाल सकें। तो मैं इसको एक बार निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ मेरे एलोवेरा जेल में से कितनी मोटी मोटी जो है वो लेयर निकल रही है। आप भी इसी तरीके से निकाल करके इकट्ठा करते जाइए और आपको बहुत मज़े आने वाले हैं एलोवेरा को निकालने। मुझे तो बहुत मज़े आ रहे हैं, तो अभी तो मैं नहीं दिखा पा रही हूँ, बट मैं जब इसको ठीक से कर रही हूँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे तो हम एलोवेरा जेल को लगाना बड़ा ही, देखिए कितना ज़्यादा चिपचिपा रहता है, हम नहीं लगा सकते इस तरीके से। तो हमको करना यही रहता है कि हमको जो है इसको, मैं तो मार्केट जैसा जेल बनाने की कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं बनता है या नहीं। ये जस्ट मेरा ट्राई है, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट मैं थोड़ा बहुत देख करके यू नो करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं आपको फाइनली बता दूँगी कि कैसे। एक्चुअली मुझे एक हेयर मास्क बनाना है, तो मुझे बहुत सारा एलोवेरा चाहिए था जो मैं स्टोर कर सकूँ, तो मैं पूरा मास्क भी शेयर कर दूँगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में, फिर मैं दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितना सारा जो है वो जेल इसमें निकाल लिया है। ये काफ़ी ज़्यादा जेल है वैसे। अब हम इसको ग्राइंड करेंगे अच्छे से, फिर उसके बाद में इसको जो है वो हम गर्म करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए कितना ज़्यादा जो है वो इसमें जेल है, इसको अब हम ग्राइंड कर लेते हैं पहले। इस तरह से आप इसको ग्राइंड करने के बाद छानेंगे अच्छे से, इस तरीके से हमारा जेल जो है वो एकदम क्लियर बनेगा। आप कोई भी ग्रैनुलर जो है वो कुछ भी नहीं रहना चाहिए इसमें। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा जो है वो एलोवेरा जेल जो है वो इकट्ठा हो गया है इसमें, काफ़ी ज़्यादा है। ये आपको शायद कैमरे में कम लग रहा हो बट काफ़ी ज़्यादा जेल है। तो अभी हम इसको गर्म करने रखेंगे। जेल को हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर रख दिया, और देखिए इस तरीके से जो है वो एलोवेरा जेल उबलना शुरू हो गया है।
इसके झागों को हम धीरे धीरे अच्छे से क्लीन करेंगे, जिससे कि हमारा एलोवेरा जेल जो है वो एकदम अच्छा सा जो है वो क्लीन बने। तो इसको आप हटाते जाएंगे धीरे धीरे और इसको उबालेंगे, हम बिल्कुल लो फ्लेम पे उबालेंगे, एकदम ट्रांसपेरेंट होने तक हम इसको उबालेंगे। हम देख सकते हैं हमारा जेल काफ़ी जो है वो कम रह गया है और हमने इसको काफ़ी क्लीन कर लिया है। ये येलो कैसे हुआ मैं आपको बताती हूँ। मैंने इसमें थोड़ा सा जो है वो हल्दी पाउडर जो है वो डाला था, मैंने हाफ टेबल स्पून डाला था, क्योंकि ये जेल आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए मैंने इसको इतना डाला था। अभी और मैं एक बार इसको फुल फ्लेम पर उबालने वाली हूँ, उसके बाद में मैं इसको वापस से लो कर दूँगी। अब हमको इसमें ऐड करना है जिलेटिन। ये देखिए ये जिलेटिन ऐसा जो है वो दिखता है, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑनलाइन ऑर्डर करके इसको मंगवा सकते हैं। इससे ये हमारा जो है वो जेली फॉर्म में कन्वर्ट होगा। अभी देखिए थोड़े से और झाग आ रहे हैं, लास्ट टाइम पे मैं इसको निकाल देती हूँ, फिर मैं इसमें ऐड कर दूँगी जिलेटिन, जिससे कि हमारा जो है वो थोड़ा जेली फॉर्म हमको मिले। और आप जानते हैं हमारे होममेड एलोवेरा जेल की बात ही अलग है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका क्या करूँगी इतने सारे एलोवेरा जेल का, और मैं जो है वो कौन सा हेयर मास्क बनाऊँगी जिससे जो मेरा फेवरेट हेयर मास्क है एलोवेरा हेयर मास्क, जिससे मेरे हेयर ग्रोथ अच्छा होता है और जो है मेरा हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। हेयर फॉल का तो मुझे सच बताऊँ तो मुझे पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि उनका हेयर फॉल हो रहा है। इस मास्क को लगाने के बाद मैं 100% श्योर हूँ कि आपका हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होगा, आपको मुश्किल से 2-4 बाल वॉश करने के बाद में निकलने वाले हैं, फिर नहीं निकलेंगे। देखिए अभी ये काफ़ी क्लीन है। अब हम इसमें ऐड करते हैं जिलेटिन। ये है 1 टेबल स्पून जिलेटिन है लगभग। अब इसको हम इसमें ऐड कर देते हैं और थोड़ी देर और इसको जो है हम पकाएंगे इसी तरीके से, फिर देखते हैं हमारा कितना अच्छा जेल जो है वो एलोवेरा जेल बन करके तैयार होता है। अब हम धीरे धीरे इस एलोवेरा जेल को ठंडा करेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो देखिए थिक हो रही है धीरे धीरे। ठंडा होने के बाद अभी हमने इसको एक कंटेनर में भर लिया है, अभी हम इसको फ्रिज में रखेंगे आधा घंटे के लिए, फिर देखते हैं कितना जो है वो सेमी लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो अभी तो ये बिल्कुल लिक्विड है, इसको हम रख देते हैं। देखिए इतना मैंने बनाया है, लोग पता नहीं क्यों कम कम बना के देखते हैं, अब मैंने इतना बना लिया है। अब चलिए इसको रखते हैं हम फ्रिज में। हे फ्रेंड्स, देखिए अब जो है हमारा एलोवेरा जेल आधा घंटे के बाद इसकी कंसिस्टेंसी देखिए एकदम जो है मार्केट वाले एलोवेरा जेल की तरह ये जो है वो बन चुका है। इसमें अब हम कुछ ऑयल्स ऐड करेंगे जिससे कि हमारा हेयर ग्रोथ, एक्चुअली मैं इसको हेयर मास्क की तरह ही यूज़ करती हूँ इसलिए मुझे ज़्यादा चाहिए होता है, बट मैं फ़र्स्ट टाइम जो है वो घर पे बनाए हुआ जेल की तरह इसको यूज़ करूँगी। पहली बार घर पे मैंने बनाया, हमेशा मैं पतंजलि का यूज़ करती थी, पर अब आप देख सकते हैं इसमें मैंने डाल दी हैं 20 ड्रॉप्स जो हमारा रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल होता है, ये रोज़मेरी मैंने इसमें डाल दिया है। और इसमें मैंने आलमंड ऑयल के कुछ ड्रॉप्स जो हैं वो 20 ड्रॉप्स डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ जो हमारा ग्रेप सीड ऑयल है, ये हमारे हेयर मास्क को और भी अच्छा और एक प्रिजर्वेटिव की तरह काम करेंगे जिससे ये जल्दी से ख़राब ना हो। तो चलिए अब हम इसमें ये वाला जो है वो ग्रेप सीड ऑयल जो है वो ऐड कर लेते हैं। आप इसमें जो है वो जितना आपका मन करे उतना डाल सकते हैं। मैं इसमें एटलीस्ट 1 लेयर जैसे ही इस ऑयल का जो बन जाएगा वैसे ही मैं स्टॉप कर दूँगी। मैं काफ़ी ज़्यादा इसको बना रही हूँ क्योंकि मैं और मेरी सिस्टर हमेशा इसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि ये हमारे हेयर ग्रोथ को और जो हमारा सबसे मेन इसका जो काम है बता रही हूँ, अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है ना आप ये यूज़ करिए, आपका हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल क्या करेगा कि आपके हेयर फॉलिकल्स को जो है वो ओपन करेगा। देखिए इसमें कितना मैंने ऑयल, ये जो है ऊपर दिख रहा है ये ऑयल है। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
तो देखें आपका कितना अच्छा जो है वो हेयर मास्क बनकर रेडी है। अगर और देखिए ऐसा नहीं है, मैंने आपको बाकी के यूट्यूबर जो पे बताते हैं वो बहुत थोड़ा ही बनाते हैं, देखिए मैंने इसको कितना ज़्यादा जो है वो क्वांटिटी में बनाया है और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि हमने इसमें रोज़मेरी और एक मैंने यलंग यलंग भी डाला था जो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो इसमें लेवेंडर मैंने खुशबू के लिए थोड़ा सा इसमें डाला है, ये देखिए ये रहता है हमारा लेवेंडर एसेंशियल ऑयल, और एक मैंने डाला था इसमें यलंग यलंग जो हमारे लिए जो इसके लिए आपको ये तीन एसेंशियल ऑयल चाहिए ही होंगे, तभी आपका हेयर मास्क बहुत अच्छे से वर्क करेगा आपके स्कैल्प पे। तो देखिए मेरा हेयर मास्क जो है वो बन करके एकदम रेडी है। अब हम इसको रख देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसको अब ये बिल्कुल रेडी है आपकी स्किन के लिए, आपके हेयर्स के लिए एकदम अच्छे से। आप इसमें चाहें तो विटामिन ई के कैप्सूल भी बना सकते हैं, लेकिन ये देखिए कितना ज़्यादा अच्छा हमारा एलोवेरा जेल बनकर तैयार हुआ है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई करा था, आप भी ट्राई करिए और बताइए अगर आपको अच्छा लगे वीडियो, थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, बाय बाय।